सेकंड आइटम दिया आपको रीग्रुप द टेंस टू हंड्रेड एंड टेंस एंड फिल इन द बॉक्सेस. आपको ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स को आपको रीग्रुप करना है. द टेंस टू हंड्रेड एंड टेंस यानी आपको ये टेंस नंबर दिए गए हैं, टेंस में इन नंबर्स को रीग्रुप करना है हंड्रेड एंड टेंस में. ओके, फर्स्ट वाला क्या लिखा है आपका 20 टेंस. अब 20 टेंस का मतलब क्या हुआ, 20 तो है आपका, साथ में टेंस लिखा है. टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर उसके साथ एक जीरो जुड़ा होना, उसे हम लोग बोलेंगे टेंस. यानी 20 में टेंस, टेंस मीन्स एक जीरो और है. यानी ये क्या नंबर है, 200. 20 टेंस मीन्स क्या होता है आपका 200. अब इस 200 को हमें रीग्रुप करना है 100 एंड टेंस में. क्या करेंगे हम, 100 वाले बॉक्स में लिखेंगे हम 2 एंड टेंस. टेंस वाले बॉक्स में क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर 200 दिया है आपको ओनली, तो यहाँ पर टेंस वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं आएगा, ओनली 2 आएगा 100 वाले बॉक्स में. क्योंकि आपको नंबर कर दिया है 20 टेंस, 20 टेंस का मतलब क्या होता है 200. ठीक है, इसलिए 100 वाले बॉक्स में ओनली आपका 2 आएगा. तो इसमें दो जीरो जुड़े हैं तो ये आपके टेंस वाले बॉक्स में नहीं लिखेंगे. ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं. सेकंड क्या लिखा है, 45 टेंस. 45 और उसके साथ क्या लिखा है आपका, टेंस लिखा है. टेंस मीन्स 10, यानी ये नंबर क्या है 450. अब इस 450 को, यानी जो आपका 45 टेंस दिया है इसका मतलब क्या होता है 450. अब इसको हमें 100 एंड टेंस वाले बॉक्स में लिखना है. क्या लिखा है, 450, यानी 100 वाले बॉक्स में आ जाएगा 4 एंड टेंस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा आपका 50 लिखा है. अब इस 50 का सिर्फ 5 आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है, टेंस जो आपको ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए टेंस वाले बॉक्स में 5 आएगा, क्योंकि टेंस का मतलब ही जीरो होता है. ठीक है, चलिए थर्ड वाला करते हैं, 76 टेंस. अब 76 टेंस का मतलब क्या होता है, 76 टेंस लिखा है, यानी 10 इसके साथ जुड़ा हुआ है. तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 760, तो 100 वाले बॉक्स में आ जाएगा 7 और 60 लिखा है, 60 का क्या आएगा, 6 आएगा, 6 टेंस, क्योंकि 60 लिखा है, तो 6 में 0 जुड़ा है, 0 का मतलब ये क्या होता है आपका टेंस. ठीक है, चलिए फोर्थ वाला करते हैं. फोर्थ में क्या दिया है आपको, अब फोर्थ वाला थोड़े अलग दे दिया, 212 टेंस. अब इस 100 एंड टेंस को भी आपको रीग्रुप करना है 100 एंड टेंस में. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम करेंगे. क्या लिखा है, 200. 200 मतलब इसी तरीके से हम लिखेंगे 200 को, फिर क्या लिखा है, 12 टेंस. 12 लिखा है, साथ में क्या लिखा है इसके, टेंस, यानी 12 टेंस. टेंस मीन्स 10 ऐड है इसमें, यानी 120. अब इस 200 में हम प्लस करेंगे 12 टेंस. 12 टेंस मीन्स 120 को इस तरीके से आप प्लस करेंगे, कितना आएगा, 0, 0 प्लस 0, 0 ही आएगा. 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ गया आपका. कितना आ गया आपका सम, 320. अब इस 320 को हमें यहाँ पर लिखना है. ठीक है, क्या लिखा है, 320, यानी 3 को हम 100 वाले बॉक्स में लिखेंगे इधर, फिर क्या लिखा है, 20. 20 मीन्स 2 टेंस. ठीक है, इस तरीके से टेंस वाले बॉक्स में 2 लिख देते हैं. ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं. ये भी ऐसा ही है सेम आपका, 200, यानी 200 ऐसे लिखेंगे. 35 टेंस. 35 टेंस मीन्स 10 इसमें ऐड है. आप ये जो दो नंबर हैं आपके, इनको आप प्लस करेंगे इस तरीके से, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 5 कितना हो गया आपका 5, एंड 2 प्लस 3 कितना हो गया 5. सब कितना आया हमारा 550. अब इस 550 को हमें लिखना है 100 वाले बॉक्स में, क्या आएगा आपका 5
बॉक्स में, ठीक है। अब बच्चों आपका सिक्स्थ वाला, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ओके। आई होप आपको ये सेकंड वाली हेडिंग समझ में आई होगी। आप इस हेडिंग को अपनी सीरियस कॉपी